परफॉर्मर्स पढ़े हुए हैं, हम सबके बारे में हैं, टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, स्पीकर नेम भी लिखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है आप अपना फीडबैक दें, ठीक है। इस तरह आपका हमें पता चल जाएगा कि हमने जो बताने की कोशिश की वो आप लोगों तक आप लोगों ने वैसे परसीव किया या नहीं, ठीक है, ताकि हम अगली दफ़ा में इसको और ज़्यादा जो है वो रिवाइज करें। जैसे ऑलरेडी हम बात पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं कि चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो मेरा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात करने से पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस बेसिकली। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हर कोई बात करता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बेसिकली बात है वो एडवांस लेवल की बात है, जबकि हमको बात करनी है उसके बेस रूट के ऊपर से। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेस होता क्या है, आता कहाँ से है, और ये हमारा इतना ज़्यादा, आज हर बंदा बोलता है जी मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो बेसिकली स्ट्रेस है क्या। क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो सेशन होगा ना वो इंटरैक्टिव होगा, ये नहीं कि मैं आऊँगी प्रेजेंटेशन दूंगी और चली जाऊँगी। ये अगर इंटरैक्टिव सेशन होगा तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप में से कोई भी रैंडम कोई भी बता दे कि स्ट्रेस क्या होता है। deviation from normal physiological function of the body. ठीक है, अच्छा, हम आपने बिल्कुल ठीक बात की कि स्ट्रेस यही होता है, लेकिन हम स्ट्रेस पे पहुंचते कैसे हैं? Is this a basic thing कि हम जी एक चीज उठे, हमने कहा जी मुझे स्ट्रेस हो गया, या इससे पहले कोई और स्टेप्स आते हैं? जैसे हम कहते हैं जी मुझे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की जब हम बात करते हैं तो हम उसकी बेसिक रूल से चलते हैं कि जी मुझे टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर ने इतने दिन सस्टेन किया, उसकी बेसिक ये थी कि मुझे किसी मॉस्किटो ने काट लिया या मुझे किसी और चीज़ से हो गया, तो फिर उसके बाद डायग्नोज हुआ कि जी मुझे टाइफाइड है, यानी कि उसके भी सर्टन स्टेप्स हैं। तो क्या स्ट्रेस तक पहुँचने के लिए उसके सर्टन स्टेप्स होते हैं, या स्ट्रेस बस हो गया जी स्ट्रेस है? Exactly. सबसे पहली चीज ये है कि जब हमें ये पता चलता है कि हम स्ट्रेस की बात करने लगे हैं, तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस यकदम नहीं आता। उससे पहले आपकी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ठीक। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता, वन ऑफ द कॉज होता है उसका। फिर आपके पास आती है टेंशन, जब आपको पता चल जाता है कि जी मेरे से अपना टाइम मैनेज हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ गई, अब मैं क्या करूं, फिर हम उसकी टेंशन लेते हैं। और टेंशन क्या करता है, हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रहा होता है। एंजाइटी क्या होती है, हम डेली बेसिस पर बात करते हैं कि एंजाइटी क्या होती है जी, स्ट्रेसलेसनेस क्या होती है, इसको बेसिक रूट्स के ऊपर लेकर आते हैं ना, ताकि जिसको मतलब एक रूटीन में एक वर्ड होता है, हम रूटीन में वर्ड्स बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल क्या है, एंजाइटी क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एंजाइटी होती है हमारे अनकंट्रोलेबल थॉट्स, हमारी अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स से रिलेट कर रही होती है। हम ये नहीं कहते कि आज मैं बहुत खुश हूँ मुझे एंजाइटी हो गई, नहीं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम कहते हैं हम मैनिक स्टेट के अंदर हैं, ना कि एंजाइटी स्टेट के अंदर हैं। जो एंजाइटी है वो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जो है वो लिंक करता है, और वो ये सारे के सारे स्टेप्स किसको लीड कर रहे होते हैं, स्ट्रेस को लीड कर रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, स्ट्रेस को क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेस सिर्फ उस बंदे को होगा जो बंदा जिंदा होगा। The only person without stress is a dead person. जिस बंदे, जो बंदा दुनिया से ही चला गया, क्या उसको स्ट्रेस हो सकती है? बिल्कुल नहीं उसको स्ट्रेस हो सकती, क्योंकि वो हम ये कहते हैं कि अच्छा जी इसकी डेथ हो गई, इतना स्ट्रेस में था, ये डिप्रेशन के अंदर था, इसको फलानी प्रॉब्लम थी, फलानी प्रॉब्लम थी, अच्छा वो सारी प्रॉब्लम से इसको निजात मिल गई। बेसिकली स्ट्रेस अगर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम उस चीज़ को जो है रिकाउंट कर सकें और दोबारा से उसके ऊपर जो है ना अपनी ग्रिप लेकर आ सकें। स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। स्ट्रेस इज नथिंग, जस्ट अ फीलिंग। स्ट्रेस जो है वो आपकी कैफियत है और उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे गुस्सा आपकी एक कैफियत है, गुस्सा क्या है,
जैसे अभी उन्होंने बात की कि जब हम नॉर्मल से डेविएट करते हैं किसी भी चीज के अंदर, नॉर्मल और अबनॉर्मल की अगर हम बात करें तो उसके दरमियान में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही चीज का है, जब आप डेविएट कर रहे हो तो मतलब मैं यूं सीधी जा रही हूँ, सॉलिड डिफाइंड ट्रैक है। अगर मैं स्टेबल के ऊपर चलना शुरू कर दूं तो ये गलत ट्रैक हो जाएगा। मैं अपनी नॉर्मल रूटीन से हटके एक चीज को परफॉर्म करने लगी हूँ, ठीक है, जो कि नेगेटिव वे के अंदर है। और वो यहाँ पे बैठे हुए, मतलब जितना भी ये डेकोरम है, इसको कोई बंदा भी इसको अच्छा नहीं कहेगा, फाइन। उसके बाद हमने जा रहे हैं कि जी हमने बात कर दी कि वो डेड पर्सन होता है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस अगर हो रहा है हमें तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार होगी तो खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस इंसानों को होता है और स्ट्रेस होना भी नॉर्मल है अगर आप एक नॉर्मल इंसान है। अगर आप अबनॉर्मल है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मैनिक स्टेट के अंदर है, किसी को बाइपोलर है, किसी को मूड डिसऑर्डर्स हैं, कोई किसी को पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसकी चेंज है, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल इन द सेंस ऑफ कि एक बंदा हमेशा से खुश रहता है। अब कुछ जरूर से ज्यादा खुश रहना, आपका क्या ख्याल है, जरूर से ज्यादा खुश रहना कोई नॉर्मल स्टेट है? एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया वो खुश है, एक बंदे के घर चोरी होगी वो खुश है, अच्छा जी मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे घर चोरी होगी। बहुत सारे बंदे इस तरह से होते हैं, इसको हम कहते हैं कि मैनिक कंडीशन के अंदर। जो मैनिक कंडीशन होती है वो भी अबनॉर्मलिटी होती है, फाइन। जो चीज भी नॉर्मल से डिविएट करेगी वो हमेशा अबनॉर्मल रहेगी, और अबनॉर्मल चीजें अगर आपकी नेगेटिव फीलिंग के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको किसके पास लेके जा रही है? स्ट्रेस के ऊपर। और स्ट्रेस किसको होगा? जो लोग जिंदा है, यानी कि हमें होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रेजेंटेशन देनी है, मैं उसका स्ट्रेस ले लूँ कि पता नहीं कितने लोग होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको समझ नहीं आएगा, वो क्या कहेंगे। क्योंकि जब आप इन चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी के साथ निगोशिएट करते होंगे। अब हम अगर हम पहले ही ये सोच लें कि वो बंदा, उसकी क्वालिफिकेशन भी मेरे से ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस भी मेरे से ज्यादा है, मेरे बॉस ने कहा ये टारगेट अचीव करके लाओ, अगर हम नहीं कर सके तो क्या होगा? यानी कि आपने तो कोई चीज स्टार्ट होने से पहले ही चीज को खत्म कर दिया, आपने तो पहले ही सोच लिया क्या होगा, फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ना। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स को प्रमोट करके लेके जा रहे हो तो आप तो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हो, यानी कि जो आपने बात करनी है जिस लेवल पे जाके उसको समझाना, आप उसको समझा ही नहीं सकते क्योंकि आपने सोच लिया कि वो मुझसे ज्यादा है। नहीं, जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, ये भी स्ट्रेस है। मीटिंग से पहले का एक फोबिया होता है जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मैं शाय हूं, मैं हेजिटेंट हूं, या मुझे अपनी सही से बात डिलीवर नहीं करनी आती। वो भी क्या कर रहा होता है? वो स्ट्रेस ले रहा होता है लेकिन अनसीन। साथ में वो कहता है कि अच्छा ये तो मुझे पता है, ये मेरे अंदर जो है ना जो इतनी चीजें लैक कर रही, ये मैं दूसरे को नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप किसी चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो एक एक बात दूसरे को बता रही होती है, खासतौर पर जो आपका आई कॉन्टेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप इस मीटिंग में गए हैं, आपने किसी को चीज शेयर कर दी है और आप सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आप जो है ना किसी को कोई चीज बता रहे हो, साथ साथ में टांग भी लग जाते हैं। लेकिन जब वो बंदा एक सीएफओ है, वो जब अपने ओनर के पास जाता है तो ओनर ने तो उसको हायर किसके लिए किया? क्योंकि ओनर के पास वो डिग्री नहीं है जो उसके पास है, वो स्पेसिफाई है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ओनर के पास जा रहा हूं। ओनर मुझे क्या कहेगा? वो तो मुझे नौकरी से निकाल देगा अगर इसके अंदर जो है ना मैं उसको प्रॉफिट शो नहीं किया। अब प्रॉफिट आपने अपनी जेब से तो शो नहीं करना, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी अकाउंट बुक्स कह रही हैं आप उसी को ही शो करोगे। तो अगर आप पहले से ही अपने ऊपर बर्डन लेके जाओगे तो डेफिनेटली आप इसको लिंक करोगे, स्ट्रेस को लिंक करोगे, क्योंकि टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, ये चीजें अनसीन आपको जो है ना पहले ये होंगी और फिर स्ट्रेस होगा। अब स्ट्रेस के बाद क्या हुआ? आप ऑफिस से आ गए हो,
अपने बॉस के कमरे से आप अपने का ऑफिस में आ गए हो, या सेल्स जो भी थी आप प्रेजेंटेशन वगैरह आप देके वापस आ गए, अब क्या होगा? किसी की नहीं अच्छी हुई, फॉर एग्जांपल कोई हेजिटेट कर गया या कुछ ने कंफ्यूज हो गया, नहीं अच्छी हुई, फिर क्या होगा? एक इरिटेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर, आप इरिटेट हो जाओगे। अब इरिटेशन कैसे निकलेगी? आप बोलोगे नहीं मैं स्ट्रेस तो नहीं हुआ, नॉर्मल, लेकिन आप बात बात पे गुस्सा कर रहे होगे। किसी की सही बात भी होगी तो आप उसे झड़प रहे होगे, या ऊंची आवाज में बोल रहे होगे, या किसी की पॉजिटिव बात को भी कहोगे देखा आज ही के मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, मेरी तरक्की इसको पसंद ही नहीं आ रही, या मैंने इतना अच्छा डिलीवर किया इसको समझ ही नहीं आई। क्यों नहीं समझे? क्योंकि ये समझना नहीं चाहता। लेकिन बाई योर इन सेल्फ आप खुद जानते हैं कि आपने उतना अच्छा डिलीवर किया ही नहीं जितना अच्छा आप डिलीवर कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें भी, अगर कोई कहता है मुझे स्ट्रेस नहीं है, या कोई बंदा ये जानने की कोशिश करता है कि मैं स्ट्रेस में हूं या नहीं, तो वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखे कि क्या वो इरिटेबल हो रहा है, क्या उसके अंदर जो है वो एंगर जो है वो जरूरत से ज्यादा आ रही है। अगर आ रही है तो वो ये देखे कि स्ट्रेस जो कॉज हो रहा है उसकी नोट कहां में बंधी हुई है। सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस हो जाना बात नहीं है, बात ये है कि हम जब स्ट्रेस के साथ उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हमने कहां पे नॉट लगाई और क्यों लगी। अब ये अनसीन चीजें हैं कि जी मैं बॉस के कमरे में जा रहा हूं मैं स्ट्रेस हूं, उससे पहले जब वो अपनी अब कैफियत से गुजरा कि बॉस मेरा क्या कह देगा, तो अनसीन टेंशन उसने ले ली है, अनसीन एंजाइटी आ गया। वो बार बार अपने कुलीग से पूछेगा या अपने बॉस के पीए से पूछेगा, अच्छा आज सर का मूड कैसा है, कोई बात तो नहीं हुई, अच्छा साहब ठीक है मैं चला जाऊं। जब वो आए थे खुश खुश आए थे ना, घर से लड़के तो नहीं आए। मतलब ये वो जनरली क्वेश्चंस हैं जो हम अक्सर पीए से या अपने कोलीग से कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो हमें किसी तरफ लीड कर रही है स्ट्रेस की तरफ, और आफ्टर इफेक्ट्स में वही एंगर आ जाएगा, इरिटेबिलिटी वगैरह आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, या कोई बंदा बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस लेता है उसको पल्पिटेशंस हो जाती हैं। कभी आप लोगों ने देखा किसी को स्वेटिंग हो रही हो, दिल की धड़कन जो है वो तेज तेज हो जाती है, तो वो सारी चीजें भी क्या है हमारी किस चीज को शो कर रही होती है, हमारे स्ट्रेस को शो कर रही होती है। फाइन, नेक्स्ट पीस। अच्छा ये वाली स्लाइड, एक चीज और फर्दर आगे जाने से पहले कि जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ उसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। फाइन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को आप तभी मैनेज कर पाओगे जब आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एक स्लाइड शो कर रहा है और उसमें कह रहा है ओह नो आई एम लेट फ्रॉम ऑफिस अगेन, यानी कि ही इज हैबिचुअल कि वो ऑफिस लेट जा रहा है। अगर उसकी फॉर एग्जांपल वो हैबिचुअल है लेकिन उसकी कोई जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल उसने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, या उसने अपनी वाइफ को कहीं छोड़ना है, या उसके पास उसका घर दूर है और उसको रोज ट्रांसपोर्टेशन में देर हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस चीज को अपने सर के ऊपर सवार करे रादर देन कि वो उसको किसी से डिस्कस ना करे। अगर वो अपने बॉस से या अपनी हायर अथॉरिटी से इस चीज को डिस्कस कर रहा है कि आप मुझे इतना मार्जिन दे दें, तो मार्जिन मिल सकता है। लेकिन बात क्या है कि हम स्ट्रेस को प्रेफर करते हैं रादर देन कि हम उसको कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज द वेरी इजी वे कि आप अपनी हर चीज नेगेटिव हो पॉजिटिव उसको बाहर निकाल दो। जब आप उस चीज को बाहर निकालते हो तो आप देखते हो कि आपके अंदर पहले से ज्यादा काम करने की सलाहियत आती है। नेक्स्ट प्लीज। फिर वो कहते हैं कि मैं ऑफिस से लेट हो गया, इसका मतलब ये कि मैं जैसे ही अपना ईमेल खोलूंगा, मैं जैसे ही अपना बॉक्स खोलूंगा उसके अंदर ईमेल्स की भरमार होगी। मैं क्या करूंगा? अच्छा मैंने उसको भी आंसर देना, अच्छा कल मेरे बॉस ने कहा था मैंने ईमेल नहीं की, मैंने कहा था मैं घर जाके कर लूंगा लेकिन मैं नहीं कर सका। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। अच्छा मैंने लेटर भी लिखना है, मैंने उसको कोऑर्डिनेट भी करना है, मैंने फलाने से भी मिलना है, तो अगेन यहाँ पे क्या चीज एग्जिस्ट करेगी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए? आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी तो आप करेंगे, नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करें। अच्छा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखो S is equal to P, P greater than R, यानी कि स्ट्रेस अगर वहां पे करता है जहां पर क्या होगा आपका प्रेशर क्या होगा ग्रेटर देन होगा
पोटेंशियल है, ये आप क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का एप्टीट्यूड, किसी ने एक जॉब ली सेल्स की, या किसी ने जॉब ली फाइनेंस की, या कोई बंदा गया प्रोडक्शन के अंदर. अब हो सकता है कि उसका दिल ना करता हो ये काम करने को जो वो कर रहा है. मोस्टली हमारे यहाँ जॉब जैसे ही हम लोग कर रहे होते हैं, हमारा दिल कुछ होता है, हमारे शौक कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली और रियलिटी में हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ और परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम सर्टन जॉब ले लेते हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछता क्या आपका दिल कर रहा है, क्या आपने ये जॉब वाकई करनी थी. हम क्या कहते हैं, आपका एक एप्टीट्यूड सेट हो गया. ये आपका एप्टीट्यूड है कि जिस शोबे में आप आए आपने उसी शोबे में काम करना है, क्योंकि आपने उसके लिए अप्लाई उसी के लिए किया. और जब अप्लाई किया तो हम आपसे क्यों ये डिमांड करें कि आपका दिल नहीं करता. ठीक है, यहाँ पे बात है कि आप कितना ज्यादा प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो. जब भी हम ऑफिस एनवायरमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कोई हमारा घर तो होता नहीं जहाँ पे हम कह रहे हैं आज हम काम नहीं करते, अम्मा हम सुबह कर लेंगे, या हम कल को कर लेंगे, या आप भाई से करा लें, या किसी और के जिम्मे ये काम लगा दे, मैं नहीं करता. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये है कि आप पे प्रेशर आएगा. आपने 9 to 5 जॉब करनी है, उसके अंदर आपने रेस्ट तो करना ही नहीं. आपने आपसे कंपनी आपको जॉब क्यों दे रही है, कंपनी ने आपको जॉब क्यों दी. काम लेने से कंपनी को क्या फायदा है. बिजनेस, बिजनेस का मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप लोगों को हायर कर रही है ना. अब आपको आपको इतने सारे लोगों को जो एक कंपनी ने हायर किया है, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट हायर किया है, उसकी वो आपको सैलरीज दे रही है, तो आपसे वो वापस क्या लेगी. वो सैलरीज उसने अपनी जेब से तो नहीं देनी, आफ्टर आप लोगों से अर्न करके दोगे ना. अगर आप उसको अर्न नहीं करके दे सकते और आप कहते जी मैं तो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तो जो है कब कब कपाना स्टार्ट हो जाता हूँ, मैं दूसरे को फेस नहीं कर सकता, कंपनी आपको 1,00,000 रुपया सैलरी क्यों दे. समझ रहे हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने माइंड के अंदर ये रख के चलते हैं कि हमने प्रेशर में ही काम करना है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें इसको तो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और आपकी लोअर लेयर. लोअर लेयर वो जो आपका लेबर स्टाफ है, मिडिल लेयर वो जिसमें आप मैनेजर्स हैं, अपर लेयर वो जो आपके ओनर्स की है. अब सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे होता है, लोअर लेयर पे, लोअर लेवल पे, एग्जैक्टली मिडिल पे, क्योंकि उसने ओनर ने उसको ही टास्क देना है और टास्क उसने अचीव करना है. अब वो क्या करेगा, नीचे वालों की भी उसको सुननी है, ऊपर वालों को भी उसको सुननी है. लेकिन जो मिडल आपका लेवल है वो क्या है, वो स्किल्ड लेवल है. हम ये कहते हैं कि जहां पे स्किल्स इन्वॉल्व होती है वहां पे सिर्फ उनको एनहेंस करना होता है. अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहे कि जिस फील्ड से मैं रिलेटेड हूं, अगर मैं वहां पे अपने प्रोफेसर का जो है वो नहीं सह सकती प्रेशर, अब मुझे कहे हाँ जी आपने पेशेंट कैसा देखा फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रहा कैसा देखा मैंने पेशेंट, अच्छा मैंने कहीं गलती कर दी, नहीं मैं जो हायर इसलिए किया है कि मेरे पास वो स्किल्स थी, मेरे पास वो एजुकेशन थी जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने मुझे हायर किया. यानी कि मैं जो उसको देख रही हूँ मैं अपने मुताबिक ठीक देख रही हूँ, लेकिन प्रोफेसर मुझे क्यों टोक रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अंदर कुछ और चीज आ सकती थी जो कि मैं नहीं लेकर आई. हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ देखते हैं नेगेटिविटी. अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी को टिल्ट करके ले आए ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाए. हालांकि जो काम आप लोग जो है वो एक दूसरे को थैंकलेस होके करते हैं, अगर वही काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थैंकफुल होके किया जाए तो मेरा ख्याल है चीजें बहुत अच्छे से चल सकती हैं. एक एक डेस्क से दूसरे डेस्क का काम है, लेकिन वो कहते हैं रोज ही तो मुझे लेटर लिख देते हो, साथ ही तो बैठा मुझे वैसे कह दो. लेटर लिखने का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक चीज जो है वो आपने प्रूफ के साथ दे दी. अब वो प्रूफ कभी भी कोई भी यूज कर सकता है. अब साथ वाले टेबल पे एक दो लोग बैठे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, लेटर लिखने की क्या जरूरत है. वो कहते हैं जी मुझे ऊपर से ऑर्डर आए, आपने हर चीज जो है ना मुझे इन रिटर्न फॉर्म में देनी है. वो कहते नहीं तुम मैं जो है ना इतने सालों से हम साथ करते काम कर रहे हैं, हम दोस्त हैं, तुम्हें मेरा एहसास ही नहीं होता. लेकिन आप एहसास दूसरे का कब करेंगे, सबसे पहले आप एहसास अपना करेंगे. आपने जो उसको लेटर लिखा इन रिटर्न, आपने कंपनी पॉलिसीज को जो है ना वो फॉलो किया है. अब आप अगर अपना एहसास नहीं
मतलब यह है कि आप दूसरे का तो एहसास कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके ना एक एम्बिगुअस पोजीशन के अंदर आ जाते हैं कि नहीं जी, मैं अपना एहसास चाहे ना करूँ, मैं दूसरे का एहसास पहले कर लूँ। पहले दूसरे का एहसास आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एहसास अपना करेंगे, जो अपना नहीं करेगा वो दूसरे का करेगा ही। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है ना कुछ स्टेप्स मैंने बताया थे मैनेजिंग योर टाइम के, अगर हम इसको स्ट्रेस के साथ रिलेट करें और हम कहते हैं कि ये जो इसके टाइम मैनेजिंग इसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास टेक्निक्स हैं टू किसको मैनेज द स्ट्रेस, टेक्निक्स हैं ये हमारे पास। अब बात यही है जैसे मैंने पहले कही थी कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर और स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर क्या है, कोरिलेशन है। फाइन, अब इन्होंने कहा है कि सेट गोल्स, अगर हमने अपने कोई गोल्स रखने हैं ऑर्गेनाइजेशन के भी और पर्सनल भी, आपको एक जॉब दी गई, आपको एक टास्क दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो डेजिग्नेशन है उसकी जॉब की कोई स्पेसिफिकेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एचआर में हायर किया और आपसे मार्केटिंग का काम करवाया जा रहा हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि हम मल्टीपल टास्क एक साथ ही कर रहे होते हैं, हायर बंदा किस लिए किया जाता है लेकिन वो बहुत सारे जो है ना वो काम साथ में कर रहा। अगर हम उसको देखेंगे कौन सी हमारी प्रायोरिटी है और कैसे सेकेंडरी है और कौन थर्ड है और कौन फोर्थ, तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर अपने गोल्स को सेट कर लें तो हमें चीज़ों को रीएवेल्युएट करने में और उसको परफॉर्म करने में और देन उसको अचीव करने में क्या है आसानी हो जाएगी। दूसरा वो कहते हैं डिवेलप अ स्केड्यूल, जैसे आगे इससे अगली वाली स्लाइड में उन्होंने बात की थी कि आप जो है अपना कैलेंडर बनाएं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कैलेंडर्स को मतलब प्रिंट कराते हैं वो लिखते हैं ईद उल अज़हा इसको आएगी, ईद उल फितर इसको आएगी, यानी कि वो हॉलीडेज का आपको पूरा स्केड्यूल दे रहे होते। इसी तरह आपके पास डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ आपके पास पूरा एक टाइम होता है, लेकिन क्योंकि हमें आदत नहीं होती इसलिए हम उसको जो है ना स्केड्यूलाइज नहीं करते। अगर चीज़ें स्केड्यूल होना शुरू हो जाएं तो आप देखें कि आपके गोल्स मीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब गोल्स में भी दो गोल्स हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आपकी कंपनी पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आपकी प्रमोशन का हिस्सा है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वन स्टेप हेड टू योर प्रमोशन जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स तो आपकी कंपनी पॉलिसी का हिस्सा, वो तो आपको चाहते ना चाहते आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपकी प्रमोशन जानी है। अच्छा, दो लोग हैं, एक मेरा क्वेश्चन है, आप एक किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए गए, एक सीट है, कैंडिडेट 20 है इंटरव्यू देने के लिए। अब एक सीट पर तो एक ही बंदा आएगा ना, वो बंदा कौन सी बेस पे आएगा, जबकि हम ये कहते हैं कि हमने जिसको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है उनके पास एजुकेशन भी सेम है, उनके पास स्किल्स भी सेम है, उनके पास तमाम चीज़ें, उनकी पर्सनैलिटी, तमाम चीज़ें जो है उनकी सेम है, किस एक बेस के ऊपर जो है हम एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे और 19 लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और स्ट्रेस और ठीक है मैं समझ गई। हाँ जी, और कम्युनिकेशन और ओपिनियंस और ओपिनियन कम नहीं मानते और कोई बात नहीं क्योंकि ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन है इसलिए जो जिसका जो दिखना आता है वो वही बोले, लेकिन और लेकिन बोलना जरूरी है, जो नहीं बोल रहे उनके लिए भी बोलना जरूरी है। दिस इज गुड। और जो नहीं बोल रहे उनके लिए भी बोलना बहुत जरूरी है, चाहे गलत ही बोले जरूरी नहीं है तो सही बोलना है, क्योंकि जो चीज मुझे पता है वो तो आपको पता ही नहीं। वो जो है वो रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल की बात है, हम इस वक्त जो है इंटरव्यू बेस्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, बाद में यही बनता है। नहीं, एग्जामिया तो आप लोग का सेम होगा तो ही आप इंटरव्यू के लिए 20 लोग सेलेक्ट हुए हो ना, एग्जामिया भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, स्किल्स भी आपके पास हैं।
अब इसके फर्दर आगे क्या है, एक बिल्कुल माइक्रो सी बात है कि जहां पे आप SWOT एनालिसिस कर लें अपने कैंडिडेट्स का। SWOT एनालिसिस मींस कि आपको पता हो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो दूसरे की वीकनेस है। हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबको एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा हो तो आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी हो। जो दूसरे की वीकनेस है वो दूसरा बंदे की क्या है, पॉजिटिविटी है। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे और आपने उसके इंटरेस्ट के साथ उसको वहां पे हिट किया जहां पे उसका इंटरेस्ट था, ओनर का जहां इंटरेस्ट था आपने उसके को इंटरेस्ट को हिट किया, उसको ये बता के कि ये मेरी स्वॉट एनालिसिस है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है और मैं अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बनाता हूँ, और अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको अवेल करता हूँ और मैं ये नहीं देखता कि इसमें थ्रेट्स कितने हैं, क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी है। मैंने पहले ही आपको बताया मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं थ्रेट्स को या अपनी वीकनेसेस को क्या करता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ बनाता हूँ। अब जहां ये बंदा बात करेगा वहां पे बंदा किसी दूसरे बंदे की बात क्यों सुनेगा, क्योंकि आपने उसको एक जामिया पैकेज दे दिया। यहाँ पे आपने उसको ये नहीं कहा कि मैं जो है अंडर स्ट्रेस वर्क करूंगा, वो कहेंगे अभी तो मैंने आपको वर्क दिया ही नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी अच्छी है कि उसके अंदर स्ट्रेस होता ही नहीं। आप उसको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं कि मुझे मेरा SWOT एनालिसिस पता है। बेसिकली हम जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और कोई बंदा आपको ये कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट दैट मीन, क्या वो आपसे आपका एकेडेमिया पूछ रहा होता है, क्या पूछ क्या रहा होता है वो आपसे? जब आपको इंटरव्यू में कहीं पे आप जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और लोग दो मिनट भी नहीं बोल सकते। कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, बेसिकली आपका SWOT एनालिसिस पूछ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी सीवी हमें बता रही होती है कि ये आपके एकेडेमिया रिजल्ट्स हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपकी स्किल्स है, इतने आपने वर्क प्लेसेस पे काम किया हुआ है, ये सारी चीजें आप, ये आप इतने आप पॉजिटिव हैं, ये आपकी हॉबीज है, हमने सारी चीजें तो हमें पता चल गई, पता क्या नहीं चला, पता ये नहीं चला कि आप अपनी वीकनेसेस को कैसे उसको ओवरकम करते हो। आपने अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जो आपकी इंटरव्यू आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, अब थ्रेट क्या है कि सीट एक है, 19 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, अब कोई ये सीट ना ले ले, अब पता तो यहाँ पे चलेगा ना कि आपने अपने कैसे थ्रेट को जो है अपनी अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट किया, अपॉर्चुनिटी को अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट किया। तो एक्चुअली में हम इंटरव्यू में जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कह रहे होते तो आपका नाम पता नहीं पूछ रहे होते, आपका SWOT एनालिसिस बेसिकली में पूछ रहे होते हैं, ठीक। फिर वो कहते हैं थर्ड स्टेप के अंदर जब आए तो वो कहते हैं रिविजन एंड रिवाइज योर प्लान्स। अगर आपसे एक हफ्ता, एक महीना, छह महीने के अंदर अपने प्लान्स पूरे नहीं हो रहे या आप इस टीम से उसको स्केड्यूलाइज नहीं लेके जा रहे, कोई बात नहीं होता है। हम ये कहते हैं जैसे हम पढ़ाई के दौरान कहते थे, अच्छा आज नहीं मैं सुबह से पढ़ूंगा, अच्छा लम्बी आज एग्जाम पास करा दे, अगले साल से मैं शुरू से ही पढ़ूंगा, अगला साल भी आता है, अगली क्लास भी आती है, अगली प्रमोशन भी आती है, लेकिन हम वही के बारे, क्योंकि हम क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए उन चीज़ों के। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने प्लान्स को रिवाइज करना है ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ें जो है ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं। अगर मैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स को लेकर चला तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आजकल दौर है कॉम्पिटिशन का और हमें सबसे ज्यादा आजकल स्ट्रेस किससे होती है, कंपटीशन से, कि मेरा कॉम्पिटिटर हाई मुझसे आगे ना बढ़ जाए। कितनी दफा हम अपने ही दोस्तों के साथ कंपटीशन में होते हैं और दोस्त आपके वर्क प्लेस पे कोई दोस्ती नहीं होती, वर्क प्लेस पे आप कुलीग्स हैं और आपके दरम्यान में कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन इसलिए जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर रही है वो आपको हायर ही इसलिए कर रही है कि आप उसको दी बेस्ट दो। अगर आप एक दूसरे से दोस्तियां निभाने लग जाएंगे, दोस्ती तो निभ जाएगी लेकिन आप डिसऑनेस्टी कर जाएंगे किसके साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और स्ट्रेस लेदा लेंगे। और स्ट्रेस क्या करता है, सबसे पहले कहाँ पे असर डाल रहा होता है, अगर आपकी मेंटल लेवल के ऊपर स्ट्रेस असर डाल रही, कोई भी चीज़ आपको मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब कर रही है तो थोड़े अरसे के बाद वही चीज़ आपको फिजिकल लेवल पर भी जो है ना वो डिस्टर्ब करेगी। क्या होगा स्ट्रेस, हर वक्त
का दर्द रहना शुरू हो जाएगा, नींद नहीं पूरी होगी, जिस्म में दर्द होगा, आपके नर्व्स पे एक बोझ रहेगा, हर वक्त खिंचाव रहेगा, आप कहेंगे मैं सो के उठता लेकिन मैं थका हूँ, मैंने कल इतना काम भी नहीं किया मैं फिर भी थका हूँ। ये सारी चीजें क्या है? ये आपको बेसिकली जो कॉम्पिटिशन आपने किया दोस्तियां निभाते हुए उसका स्ट्रेस का उसका रिजल्ट है आपके ऊपर। फाइन, नेक्स्ट प्लीज। अब ये चीज देखें कि यहाँ पे इसको कहा था हमने कि टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि इसके साथ ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि 6 महीने में एक काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने कैलेंडर बना लिया तो मैंने एक साल के अंदर ये करना है और एट द एंड आपकी एक गोल है कि जी हर साल के बाद हमारी फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग होती है जिसके अंदर प्रमोशन अनाउंस की जाती है, मुझे इस साल ये प्रमोशन टारगेट कर कर लेनी है। आप टारगेट करके लेंगे जब आप प्लानर्स की तरफ जाओगे, यानी कि जब आप प्लानिंग करोगे सबसे पहले किस चीज को जो है ना कट ऑफ कर दोगे, अपनी दोस्तियों को। सीट एक है, कॉम्पिटिटर दो है, एक ही डेस्क के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक ने तो प्रमोट होना है। अगर दोस्ती निभाते निभाते आप पीछे रह जाओ हो सकता है आपको उस चीज की ज्यादा जरूरत हो। अगर आप अपने नहीं हो दूसरा बंदा आपका एहसास क्यों करेगा? अब दूसरा बंदे को आप कहोगे जी मैं जानबूझ के मैंने आपके लिए स्पेस क्रिएट की है, लेकिन वो कहेगा नहीं आपने स्पेस क्रिएट नहीं की, ये मेरी एबिलिटी है कि मैंने आपसे पहले प्रमोशन ले ली है। थैंकलेस बिहेवियर। वंस अगेन आप प्लानिंग करें चीजों को लेकिन थैंकफुल अंदाज में करें। अगर किसी को किसी लिहाज से प्रमोशन मिल भी गई तो वो दूसरे बंदे का शुक्रिया अदा करे कि आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, अगर उसके अंदर वो वीकनेस ना होती तो आपको ये प्रमोशन कैसे मिलती। सिर्फ कोई चीज हासिल करने के बाद हमारे में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं जी हम हमारे में बेहतरी, नहीं भाई आपकी कोई नहीं थी, दूसरे के अंदर खामी थी जो आप प्रमोट हुए हैं। एक चीज के लिए एक बंदा तो नहीं होता ना, आज वो ये है तो उसको ये बना दो, नहीं एक सीट के लिए भी 4-5-6 लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। किसी लोगों की वीकनेस से दूसरा फायदा उठा के चला जाता है, लेकिन क्योंकि ये अनसीन होता है हमें पता नहीं होता इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, क्लंडर्स, जैसे क्लंडर्स बनाते हैं आप बनाए अपनी डायरीज बनाए, रोज डेली टू डेली लिखेंगे कहाँ पे आज मैंने ये मिस्टेक की है जो आने वाले दिनों में मैंने नहीं करनी, या आने वाले टारगेट्स के अंदर मैंने नहीं करनी, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं बना सकता हूँ जिससे मुझे जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है ना वो अचीवमेंट्स के ज्यादा मौके मिले और मैं एनहांस हूँ। जितनी ज्यादा अच्छी आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, प्लानिंग एक चीज होगी, स्ट्रैटेजीज दूसरी चीज होगी, जितनी अच्छी आप अपनी स्ट्रैटेजीज और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा जो है आप अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे। क्योंकि आज जमाना जो है वो हार्ड वाला नहीं है, आज है स्मार्ट मूव्स का, कितने आप स्मार्ट हैं। और स्मार्ट होना कोई फिजिकली स्मार्ट होना नहीं है, मेंटली शार्प होना जरूरी है कि आप किस तरह चीजों को देखते हैं, किस तरह उसको एनालिसिस कर सकते हैं और क्या आगे आप उसको एनालिसिस करके रिजल्ट आया क्या आप उसकी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक, टू डू लिस्ट वही आप उसको रिव्यू करें और उसके बाद जो है ना वो चीजों को लेकर आएंगे। मैं एक एग्जांपल देके इस चीज को जो है ना वो वाइंड करूंगी। ऑलरेडी आप लोग सुबह से बैठे हुए हो सारे और थक भी गए होंगे, ये भी एक स्ट्रेस है कि नहीं हमने बैठना ही। स्ट्रेस की एग्जांपल इससे अच्छी और कोई नहीं हो सकती कि आपको एक कांटों भरी एक टोपी दी जाए और उसे कहा जाए अपने सर के ऊपर रख लें। आप में से कितने लोग उसको जो है ना वो सर के ऊपर रख के चलते फिरते रहेंगे? नो वन, क्योंकि कांटे लगेंगे ना। टोपी भी हमने आपको ये नहीं कहना कि आप ऊपर हैट सजा लें और उसके ऊपर वो कांटे लगे, नहीं, इतनी सख्त टोपी होगी कि वो आपके दिमाग के ऊपर चढ़ी हुई होगी और कांटे बकायदा आपको चुभ रहे होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो उस टोपी को पहनना जो है ना वो कबूल करेंगे? लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस को पहन के फिर रहे होते हैं और हम ये क्लेम कर रहे हैं आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरे जिस्म में दर्द है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा तो वर्किंग प्लेस ही अच्छा नहीं है, मेरा तो बॉस ही अच्छा नहीं है, मेरे कुलीग्स ही मेरे ऊपर जो है ना शक व शुबहात करते हैं, हालांकि मैं उनके लिए कितना अच्छा हूँ। बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, आप कांटों भरी एक टोपी है जिसको लेके फिर रहे होते हैं
इसका एक एक करके कांटा आपको निकालना है तब ये टोपी उतरेगी, अदरवाइज ये टोपी नहीं उतर सकती. फाइन, थैंक यू सो मच फॉर अबाउट दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आई वांट फॉर माय अदर फ्रेंड्स फॉर द आंसर एंड क्वेश्चन सेशन. थैंक यू. आप लोग सब लोगों के पास एक फॉर्म दिया हुआ है, वो आप लोगों ने बताया, पहले इसको फिलअप कर लें जल्दी से. इन द मीन वाइल आपके जहन में हमारे सेशन के मुतालिक जो भी क्वेश्चन, वैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो आप बाय नेम हमसे कर सकते हैं या ग्रुप में क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसी करेंगे, उसका सेटिस्फेक्ट्री आंसर आपको मिले. जी प्लीज जी बताया मुझे करो जी बता दें.